ये ना। हाँ हाँ, मैं भी CSP की औलाद हूँ, मैं भी चूतिया इंसान नहीं हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। अच्छा मैं भी पुलिस लाइन वालों का ही लड़का हूँ। हाँ, जब भी रोड पे हूँ और जब भी सब पता है मैं भी। ठीक चलो ठीक है, ठीक है। हाँ है, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो आपने सुन लिया होगा, लड़का बोल रहा है मैं CSP का लौंडा हूँ, पुलिस क्वार्टर में रहता हूँ, चूतिया समझ रखा है क्या, मैं रोड पे ही चलता हूँ। दोस्तों, इस बंदे के लैंग्वेज से आपको तो लगा होगा कि कितने बड़े पुलिस का लौंडा है, फिर भी मैंने अपने जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मैंने सोचा यार CSP क्या होता है। तो दोस्तों, चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको बोला जाता है CSP, और ये लड़का कह रहा कि मैं CSP का लौंडा हूँ। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ पुलिसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स डिपार्टमेंट, दे आर इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिसिंग इन देयर रीजन एंड रिपोर्ट टू द चीफ कांस्टेबल। तो भैया, इतने बड़े ओहदे पे रहने वाले का लड़का अब रिकवरी कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि रिकवरी में कितना माल है। पैसा ही पैसा होगा। माल ही माल है ना, तभी ना रिकवरी वाले आपको थ्रेट कॉल करके पुलिस बन के, वकील बन करके, आप तो CSP का यानी के कमांडेंट ऑफिसर का लौंडा बन के भी आपको थ्रेट कर रहा है। तो ये सारी फर्जी कॉल होती है, इन पे आपको दिमाग नहीं लगाने का। और ये जो CSP के लौंडे का मोबाइल नंबर आ रहा है, जो कि RBL बैंक का रिकवरी एजेंट बन के बात कर रहा है, थोड़ी सी आप इसकी लंका लगाइए अपने स्टाइल में, और रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए कि CSP का लौंडा क्या आपको कह रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कॉल से आपको डराने का नहीं, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे लोगों को कॉल कर करके टेंशन देने का। रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए भैया कि आप बताएं ये बैंक में बात क्या, ये मतलब कि जो मैंने आपको बात बताया, ये अपने एक बार सीनियर से बात करके देखो ना वो क्या अरे ये बोल रहे। बैंक में देने से और बैंक वालों को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको पेमेंट चाहिए रहता है, वो पेमेंट चाहिए रहेगा, बस हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी रिपोर्ट से। ये हमारे अच्छा नाम की रिपोर्ट नहीं है कि तुम बैंक वालों की रिपोर्ट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी अच्छा जिसने करी उसकी रिपोर्ट लिखाई है तुमने अभी, हाँ ठीक है ना। मैंने हाँ, है, और लेकिन मुझे ये धोखाधड़ी बोलना उनने है। करी नहीं, तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी गलती, बैंक बोलेगा तुमने क्यों दिया पैसा उसको। हाँ वो ठीक है, हमने कर दी गलती, लेकिन उनने ये बोला है कि वो पैसे देगा, और आप भी उससे बात कर सकते हो, बैंक वाले डायरेक्ट उससे रिकवरी कर नहीं कर सकते सकते, हैं। हमारा जो कस्टमर है हम उससे ही बात करेंगे, कोई तीसरे व्यक्ति से बात नहीं करते हम लोग। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बस यही बात मैं आपको बार बार थोड़ी ना बतलाऊंगा, कोई नहीं नहीं कोई बताने का नहीं बतलाने की भाई। जरूरत नहीं है, आप कोई बतलाना ही नहीं है भैया। मेरा तो ये था, आपको बताना था भाई, जो आए रिकवरी वाले उसको बताना है, मेरे को ये बोला गया है, मैंने बता कौन ने दिया। बोला ऐसा? मेरे को TI साहब ने बोला, बोला ये कागज आप दे देना। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली TI साहब से ही बात करा देना जाके, कैसे चलो चल लगेंगे मेरे चलेंगे को। ना, ऐसा होगा हाँ तो दोनों जन हाँ चल मेरे को, मिलेंगे। अरे मैं काहे को जाऊँ, मैंने थोड़ी ना बात पैसे खत्म, दिए। ठीक है तो कोई बात हाँ नहीं है। मेरे को तो पैसे से मतलब है, पैसे चाहिए बस। चलो ठीक है यार, तो फिर हमने भी हाँ बैंक से पैसे लिए, मैं बैंक को दे ऐसा, दूंगा जब आएगा मेरे पास। हाँ चलो ठीक है, कहाँ मैं आ रही हूँ अभी तुम्हारे पास, अभी बैंक ही चल रहा है अपन। अब बैंक से कैसा, लिए ना तो बैंक ने भी हमको लेने के लिए ही रखा है, नहीं आ ही तो रहा हूँ मैं मैं तो तुम्हारे ये पास। बोल ही कहाँ नहीं हो रहा हूँ तुम कि बताओ पैसे मेरे मैं को। नहीं नहीं दूंगा, नहीं नहीं अब तुम क्या बोल रहे हो, बैंक से लिए बैंक को दोगे, अब मैं आ रही बैंक को हूँ दे और दूंगा बैंक को मैं। क्या तुमसे ही लूंगा अब मैं, वो पूरे लूंगा अभी। वो लगे ना तो जा तेरे TI साहब के पास, जा अभी जा, जा तेरे TI साहब के पास जा, अब तू TI साहब के पास जा और बोलना ऐसा बोल रहे हो वो रिकवरी वाले है ना, नहीं तो TI साहब पैसे देंगे तेरे। जा देखता हूँ अब तेरे को पुलिस भी कब तक बचाएगी। चलो ठीक है यार, पहले अपन बात करते क्या है क्या नहीं हाँ है, तो और पैसे, वो मैं देखता हूँ, मैं बैंक को एक बार देने की कोशिश करता हूँ, बात करके क्या हाँ करते तो हैं, वो उनसे सब कर रिक्वेस्ट लेना। और करूंगा इतनी मैं। उल्टी बात कर रहे हो ना, बैंक से तो मैं आ रही हूँ अभी, और अभी लगेंगे पैसे, ठीक है। नहीं अभी तो पैसे हैं हाँ नहीं यार, और आएंगे तो मैं पैसे दूंगा, नहीं मैं नहीं उसकी मैं बात अभी भी आ कह रहा रहा हूँ, हूँ कि फिर मैं मैं नहीं वहीं आके दूंगा। बात करूंगा, एक नंबर आके बात करूंगा। और ऐसा लगे तो लसुड़िया TI का जिसका बोल रहे हो ना तुम, तारे सोनी का है ना, तारे सोनी है ना लसुड़िया का TI, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे सोनी को उससे भी, है ना। हाँ मैं भी CSP की औलाद हूँ, मैं भी चूतिया इंसान नहीं हूँ, मैं भी पुलिस लाइन वालों का ही लड़का हूँ। अच्छा हाँ जब भी रोड पे हूँ और जब भी सब पता है मैं भी, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं।
तो दोस्तों रिकॉर्डिंग सुन के आपको कैसा लगा? आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये नमूना जो बात कर रहा है ये कोई सीएसपी पीएसपी का लौंडा नहीं है, कोई पुलिस वाले का लौंडा नहीं है, ये तवेले का लौंडा है जो टपोरी टाइप का 17-18 साल का लौंडा है। बैंक वाले इन लोगों को हायर कर लेते हैं, बैंक वाले इन लोगों को हायर करते हैं जिनकी 18-19 साल की उम्र नहीं है, दिमाग से कितना मेच्योर है आवाज से पता चल ही रहा होगा। तो नंबर जो आ रहा है तो इस लौंडे की थोड़ा लंका लगे अपने स्टाइल से। और ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और वेबसाइट पे जाकर विजिट करिएगा। और जो नया पंगा चल रहा है कौन सा, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी, तो बताइए इन दोनों में अच्छा कौन है, क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए? मिलते हैं फिर, तो आपके कमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, भेजिए उनकी रिकॉर्डिंग, हम उनकी लंका लगाएंगे।